नमस्कार, खेती किसानी पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर उस फसल के बारे में चर्चा करते हैं जो किसान अपनी खेती में लगाता है और उससे उसकी आमदनी में इजाफा होता है। लेकिन अगर हम फूलों का जिक्र करते हैं तो फूलों की जरूरत हम हर किसी को हर दिन पूजा के लिहाज से, सजावट के लिहाज से या शौक के लिहाज से जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या फूलों की खेती की संभावना व्यावसायिक खेती के तौर पर भी आज समझी जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मांग बढ़ रही है वैसे वैसे उत्पादन और कीमत दोनों में ही इजाफा हो रहा है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो फूलों की खेती की कितनी संभावना है और अगर किसान इसकी व्यावसायिक खेती करता है तो उसकी आमदनी में कितना इजाफा होता है, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवशंकर। देवशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। देवशंकर जी, अगर हम देखें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या पूरे देश को ही हम देखें तो हमें लगता है कि फसलों के साथ साथ आज जो किसान है वो जागरूक हो गया है, फसलों के साथ साथ दूसरी फसल की तरफ भी उसके कदम बढ़े हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, फूल हो या औषधीय पौधे हो, मतलब वैरायटी में वो खेती कर रहा है। ऐसे में हम देखें फूलों की खेती की आज कितनी संभावना है और कैसा किसान इस पर काम कर रहा है जी। फूलों की खेती की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे शहरी क्षेत्र बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे फूलों की मांग यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। फूलों में यदि देखें, हमारे इसी एरिया में यदि देख लें छत्तीसगढ़ में ही, तो तीन जलवायु क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग और छत्तीसगढ़ का पठार और छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र, जहां अलग अलग तरह के फूलों का खेती यहां किया जा सकता है और कर भी रहे हैं। और ख़ास करके यदि फूलों मुख्य रूप से जो फूल हैं उसमें जिसका सबसे ज़्यादा यहां पर मांग है इन क्षेत्रों में, वो हैं गेंदा है, इसके बाद है रजनीगंधा है, ग्लेडुलस है, गुलाब है और मोगरा, इन फूलों का सबसे ज़्यादा यहाँ मांग है शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। ये तो मांग की बात हुई देवशंकर जी। अगर हम देखें जलवायु का जिक्र आपने किया, जलवायु के हिसाब से भी क्या फूलों का चयन किया जाता है खेती के लिए? जी, जलवायु के हिसाब से यदि देखा जाए तो जैसे गुलाब है या रजनीगंधा है, यदि हम कंट्रोल कंडीशन में नहीं कर रहे हैं या इसकी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर नहीं कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा ठंड है वहाँ पर इनकी खेती ज़्यादा उपयुक्त हैं। और जैसे गेंदा है, गेंदा ऐसी फसल है जिसको हम तीनों सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं, मतलब इसमें जो प्रभाव है इसका तापमान और ह्यूमिडिटी का वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। और जैसे रजनीगंधा है, रजनीगंधा का यदि देखें तो हम सिर्फ 3 महीने ठंड के समय इसकी खेती में फूल नहीं मिलते हैं, पौधे इसके लगे हुए रहते हैं लेकिन सिर्फ फूल उस समय जो पौधे हैं वो डारमेंट हो जाते हैं, सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, बाकी उसके 9 महीने लगातार उसमें फूल इसमें मिलते रहते हैं। गेंदे की बात कर रहे हैं आप। हाँ, जलवायु के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है खेती किसानी के लिए मिट्टी। तो मिट्टी की जो हमारे यहाँ वैरायटी है यानी मिट्टी की जो विविधता है उसके आधार पर भी फूलों की जो खेती के लिए किस्मों का चयन किया जाता है क्या? हाँ, इसमें हम ये देखते हैं कि जो बलुई दोमट मिट्टी है वो सभी फसलों के लिए लगभग बहुत अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी जहाँ पे जैसे काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में क्या है, जल भराव की समस्या जो है कई बार बढ़ जाती है, इसके कारण वहाँ पर बहुत सारे जो बीमारी हैं जो उसके जड़ में आते हैं वो सब जो दिक्कत हैं वो आना चालू हो जाता है। तो जो बलुई दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जितने भी फूल वाले फसल हैं उनके लिए सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल। इसके बाद अगर मुझे लगता है चर्चा करना चाहिए एक ऐसी किस्म जिसको व्यावसायिक स्तर पर किसान लाभ के लिए कर सकता है और उस पर देख रेख की भी जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती है, ऐसी कौन सी फूल की खेती है जो छत्तीसगढ़ में की जा सकती है और संभावना भी ज़्यादा है? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो रजनीगंधा की जो फूल की जो फसल है ये बहुत अच्छी आमदनी किसानों को दे रही है और भविष्य में भी अच्छी मांग इसकी रहेगी और अभी भी है।
इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यदि किसान भाई ज़्यादा उत्पादन कर भी लेते हैं तो इनका जो परफ्यूम बनता है, जो इससे बनाए जाते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, वो भी यदि डेकोरेशन में उपयोग नहीं हो रहा है, सजावट में उपयोग नहीं हो रहा है और उन्होंने यदि उत्पादन कर लिया तो उस क्षेत्र में भी उसको बेच करके और अच्छा आमदनी इससे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें रजनीगंधा में ये भी फायदा है कि एक बार यदि किसान लगाता है इसको, क्योंकि इसके लगाने के लिए कंद यूज होते हैं, बल्ब जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इसके बल्ब होते हैं वो लगाने के लिए उपयोग होता है, और एक बार लगाने के बाद हम उसको 2 साल तक इसमें फसल ले सकते हैं, 3रे साल भी ले सकते हैं, लेकिन 3रे साल थोड़ा सा उसमें जो फूलों का जो उपज है वो कम होते जाता है, क्योंकि कंदों की संख्या आपस में एक जगह बढ़ जाती है तो निकाल करके हमको फिर से दोबारा उसमें रोपाई करना पड़ता है। तो यदि इसके आमदनी के लिहाज से देखा जाए तो ये रजनीगंधा की जो फसल है वो बहुत अच्छी फसल है, और जिसमें मतलब खुले क्षेत्र में, मतलब ग्रीन हाउस के अंदर नहीं, खुले मैदान में जो खेत हैं इनके, वहाँ भी आसानी से किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाई अगर व्यावसायिक तौर पर खेती कर रहा है तो उसकी तैयारी की भी वो बात करेगा कि खेत की तैयारी हो, बीज का प्रबंधन हो, किस्मों का चयन हो, तो इसमें क्या किस्में भी अलग अलग है या हमने जो देखा है सफेद रंग का एक ही रजनीगंधा जो आता है वही होता है या वैरायटी है इसमें? नहीं, इसमें किस्में हैं, मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार की किस्में हैं। एक तो जिसको सिंगल फ्लोरेट्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें सिंगल पंखुड़ियां आती हैं, और दूसरा इसमें है डबल फ्लोरेट्स वाले बोलते हैं, जिसमें 2 से या 3 पंखुड़ियां एक साथ, मतलब बहुत सारी पंखुड़ियां इसमें होती हैं, दो टाइप के होते हैं। जो सिंगल फ्लोरेट्स वाले होते हैं, सिंगल पंखुड़ी वाले, वो सेंटेड होते हैं, सेंट उसी में होता है, खुशबू उसी में होता है। डबल फ्लोरेट्स वाले में या बहु पंखुड़ी वाले में सेंट नहीं होता है, और कई किस्में अभी आ भी गई हैं जिसमें वो जो खुशबू है उसमें है। तो अलग अलग किस्में हैं, जैसे बहुत अच्छी किस्म है प्रज्वल, जो किस्म है बहुत अच्छी किस्म है अर्का प्रज्वल, और डबल में यदि देखा जाए तो अर्का वैभव एक किस्म है, और इसके बाद है अर्का रंजनी भी एक किस्म है, ये बहुत सारी किस्म है। इसके बाद फूले रजनी एक किस्म है, ट्यूब रोज की या रजनीगंधा की, इन सब किस्मों की खेती करके और अच्छा आमदनी किसान ले सकते हैं। बिल्कुल, इसको लगाने का तरीका और बीज की उपलब्धता पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी देव जी। यहाँ पर जो दूसरा सवाल मुझे लगता है उठेगा वो ये कि कोई किसान अगर पहली बार ये तय कर रहा है कि उसको फूलों की खेती करनी है, रजनीगंधा के चयन करना है, तो ऐसे में उसकी जो बीज की यानी कि जो कंद की उपलब्धता होगी वो कहाँ से होगी और वो खेती की तैयारी किस तरीके से करेगा? जी, बीज की उपलब्धता हमारे यहाँ जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की यहीं पे रायपुर में जो हमारा एक सेंटर है, कृषि महाविद्यालय रायपुर, वहाँ उद्यान नर्सरी है। उद्यान नर्सरी में हमारे यहाँ जैसे अर्का प्रज्वल और अर्का निरंतरा, ये सब जो किस्मों का नाम मैंने बताया, उन किस्मों के जो बल्ब हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, यहाँ आकर के किसान भाई ले सकते हैं। और एक हेक्टेयर के लिए जो कंद की जो इसमें बल्ब जो लगते हैं वो 160,000 से 170,000 लगभग इसमें बल्ब लगते हैं, और वो बल्ब यदि किसान भाई एक बार इसको लगा लेते हैं तो उनके लिए आने वाले समय में हर साल इनको बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और उसी को लगातार वो भविष्य में बीज के लिए उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि वो जो बल्ब बीज के तौर पर इस्तेमाल करके पहली बार जो अपनी खेती की तैयारी कर रहे हैं देव जी, उसके बाद में उनको दोबारा उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार जब अपने कंद लिया तो उसको लगाने का जो तरीका होता है, मतलब खेती की जो तैयारी प्रॉपर किसान करता है उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खेत की तैयारी में ये देखना है कि गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई करके इसमें जो भी यदि हम खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो आजकल सभी कृषि विज्ञान केंद्र हमारे सभी जिलों में हैं, वहाँ पर सबके जो मृदा जो कार्ड जो बनता है वो बने हुए हैं सबके न्यूट्रिशनल स्टेटस का, कि कितना उनका उर्वरक शक्ति है या उर्वरक क्षमता है उनकी मृदा की, उसके हिसाब से उस फसल के हिसाब से उसमें उनका अनुशंसा भी रहता है कि इतना इतना इसमें डालना है। और रुपाई के समय ये ध्यान देना है कि रुपाई की दूरी यदि हम देखें
तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी इसमें हम लोग 30 सेंटीमीटर रखते हैं, एक फीट, और कतार से कतार के बीच की दूरी जो है वो भी 30 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। और इसकी जो रोपाई है दो तरह से की जाती है, एक तो किसान भाई के बाद पास यदि टपक सिंचाई की व्यवस्था है तब तो बहुत अच्छा इसमें उसका जो प्रभाव दिखता है, और जिनके पास फ्लड इरिगेशन है या सीधे पानी पलाने का जो तकनीक है उससे कर रहे हैं तो उससे भी उनको अच्छा आमदनी होता है। लेकिन टपक सिंचाई में इनको ये फ़ायदा है कि जो उर्वरक हैं, जो न्यूट्रेंट हैं, उसको किसान भाई जो सिंचाई की जो टपक सिंचाई का जो ड्रिप लाइन है उसी में उर्वरक को भी साथ में, पानी के साथ में देते हैं। और अच्छा, मतलब इसमें जो खेती तैयार करके मिट्टी है वहां पर आपको उर्वरक को देने की जगह आप ड्रिप इरिगेशन में, सिंचाई में भी आप दे सकते हैं। हाँ। तो ज्यादा सही तरीका होगा कि वेस्ट ना हो। जी सिंचाई की किस तरीके की व्यवस्था इसमें होती है फूलों की खेती में? क्या पानी बहुत ज्यादा लगता है? नहीं, बहुत ज्यादा पानी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। यदि रजनीगंधा में ये है कि क्योंकि इसमें जो फूल आते हैं गर्मी के समय आते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और जो अपना ठंड का जो समय है वहाँ तक पूरा पहुँच जाता है, मतलब दो सीजन में बहुत अच्छा इसमें फ्लावर आता है। तो उसको देखते हुए इनका जो जल मांग है, बरसात के समय हमको सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ठंडी के समय और बहुत ज़्यादा जब तापमान रहता है उस समय। तो यदि फ्लड में दे रहे हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल में देते हैं, और यदि हम टपक सिंचाई में दे रहे हैं तो प्रतिदिन इनका जो पानी की आवश्यकता है एक चार्ट बना हुआ रहता है, उसके हिसाब से वो उसको लगातार उसको प्रतिदिन चलाते रहते हैं जिससे उनकी बढ़वार अच्छी होती है पौधों की। बिल्कुल। तो जो किसान मार्केट में बेचने के लिहाज से कर रहे हैं, हमने देखा है कि रजनीगंधा को काटने का भी एक उचित समय होता है कि फूल भी बहुत ज्यादा मुरझाने की स्थिति में ना हो और जो कलियां हैं वो भी खिलने को तैयार रहे। दीप जी, जैसा आपने कहा कि दूसरा यूज भी इसका होता है, लेकिन किसानों के पास चुनौती ये है कि वो जब खेत से काट कर लाता है तो या तो मार्केट में वो सीधा का सीधा बिक जाए और उसको आमदनी हो जाए, या फिर उसको पहले से ही तय हो कि मुझे अपने जो फूलों को पहुंचाना कहाँ है ताकि उसको इत्र या दूसरी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहां तक वो पहुंचाए। तो ये कैसे मैनेज करते हैं किसान? इसमें पहला चीज तो ये है कि जहाँ किसान भाई ऐसे इनका पहले सर्वे वो करते हैं, किसान खुद बहुत समझदार होते हैं कि कहाँ पर इसका डिमांड है उसके हिसाब से वो एरिया निर्धारित करके उसका उत्पादन करते हैं। और सबसे अच्छा चीज तो ये है कि जहाँ पे इसकी बिक्री होती है वहाँ वो बात करके इसके बाद फिर उतने जिसके मांग के हिसाब से वो उसका एरिया को बढ़ाते जाएं। और इसमें जहाँ जहाँ इसके प्रसंस्करण किए जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो परफ्यूम वाली किस्में हैं जिसमें सुगंध होता है वो सिंगल वाली किस्में हैं, सिंगल पंखुड़ी वाले वही हैं, जैसे अर्का प्रज्वल है, ये सब जो किस्में हैं, और इन्हीं को टारगेट करके और इन्हीं का उत्पादन उनको करना चाहिए। और ताकि वो जहाँ यदि उस क्षेत्र में जैसे फ्लावर उपयोग नहीं हो रहा है डेकोरेशन के लिए तो प्रसंस्करण करके और उसमें फिर जहाँ प्रसंस्करण हो रहा है वहाँ आपस में उनका वो टाई अप करके और उसको वहाँ सेल करके और आमदनी प्राप्त कर सकते। अच्छा, इससे जुड़ी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी किसानों के लिए कि अगर मान लीजिए व्यवसायी खेती कर रहे हैं और उनको अपना जो फूल है वो प्रसंस्करण तक पहुंचाना है तो इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय की क्या कोई भूमिका है कि प्रशिक्षण है या जानकारी ऐसी उपलब्ध आप लोग करवाते हैं? हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो एक अलग केंद्र है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती और प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी जाती है। वहाँ किसान भाई कांटेक्ट यदि करते हैं तो वहाँ वो उचित मार्गदर्शन उनको मिल जाएगा, और कई तरह के वहाँ पे प्रोडक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं इन सभी चीज़ों से, वो भी उनको जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो ज्यादातर किसान जो मुख्य फसल है अपनी जो धान या फसल है क्या उसके अंतराल के बीच में भी इसको ले सकता है या मुख्य खेती पर ही इसको करना नहीं होगा? ये रजनीगंधा ऐसा फसल है जो एक बार लगाने के बाद 2 से 3 साल तक भी किसान एक ही जगह से उत्पादन ले सकता है।
और यदि बीच में दूसरा कोई फसल लगाना चाहता है तो उसके लिए गैप इसमें नहीं मिलता है। यदि फूलों की दूसरे फूलों में देखें तो सिर्फ गेंदा हो गया, ये एक ऐसा फसल है जो 4 महीने में ख़त्म हो जाता है इसका लाइफ साइकिल, और खेत खाली हो जाता है। जैसे अभी जैसे धान यदि हम देखते हैं तो धान का जो कटाई है नवंबर दिसंबर तक हो जाता है, तो इस सीजन में यदि किसान फिर से रबी में यदि फूलों की खेती करना चाहता है तो गेंदा का वहाँ रोपाई कर सकता है और वो अप्रैल से अप्रैल तक वो पूरा हार्वेस्ट हो जाएगा। फिर से समर में क्योंकि वो कुछ नहीं लेते हैं, यदि पानी की व्यवस्था है तो दूसरा फसल भी वो ले सकते हैं, फिर वो उनका धान का सीजन फिर से आ जाता है। तो ये जो रोटेशन है वो उसमें धान के बीच में भी गेंदा जो है वो उसको लिया जा सकता है। रजनीगंधा के लिए आपको रजनीगंधा के लिए समय क्योंकि ये ज़्यादा लेता है, और एक जगह प्लांटिंग करने के बाद इसका जो क्योंकि हम इसको बहुवर्षीय टाइप का ग्रुप में रखते हैं और वो उतना समय लेता है। यदि हर साल यदि हम उनको हार्वेस्ट करते हैं तो एक तो इनपुट भी ज़्यादा लगेगा, लागत ज़्यादा लगेगा, और किसान के ऊपर अतिरिक्त भार उसमें जो आर्थिक भार हो उसके ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है रजनीगंधा से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आज हमने आपसे ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ठीक है, नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।